का कहना है कि आप पूरी जो संगोष्ठी आई गई थी विपक्ष की शायद पटना में इसी उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी, क्योंकि मूल मंत्र तो यही रहा। और मैं मानता हूं कि 14 पार्टियों का दल का असर जरूर रहेगा, जो लालू जी ने राहुल जी को अपने दिल की बात सुनाई है। और जहां तक एकता की बात की जाती है, आम और खास के बीच में जो बड़ी दरार है वो स्वतः उस मीटिंग में उजागर हो गई, जहां एकता की पाठ पढ़ाने के लिए सब लोग पहुंचे थे लेकिन एक दूसरे के कपड़े फाटने फाड़ने में ही लग गए। और ये वही संदेश देता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के 140 करोड़ जनता के भविष्य का नवनिर्माण करने के लिए संकल्पित हैं, और दूसरी तरफ ये विपक्ष की टोली स्वतः की भविष्य की चिंता को लेते हुए कोशिश में लगी है साथ साथ बैठने के लिए। पर मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास 2024 के चुनाव में रचेगी, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। सर, भोपाल में कल पीएम आ रहे हैं, आपने वजन कम किया कि नहीं? कर लिया सर। सर, पीएम का अमेरिका दौरा, रिलेशन में बड़ी डील हुई है वहां पे, कैसा देखा? प्रधानमंत्री जी का एक ऐतिहासिक अमेरिका का दौरा हुआ है, भारत को विश्व पटल पर पहुंचाने का लक्ष्य की पूर्ति करते हुए जिस नया इतिहास को प्रधानमंत्री जी ने भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर अमेरिका में रचा है, जहां यूएस कांग्रेस में दूसरी बार उनका अधिवेशन आयोजित किया गया, एक एक कांग्रेसमैन कांग्रेस वुमन स्पीकर से लेकर उपराष्ट्रपति ने उनकी पूरी भरी प्रशंसा की। भारत के लक्ष्य की पूर्ति ट्रेड के विषय में, नागर विमानन के क्षेत्र में, उसी के साथ रक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। वास्तविक तौर से आज भारत विश्व पटल के शिखर पर पहुंचने के लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है। पांचवीं सबसे बड़ी विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में, देश की और विश्व की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में जब न्यूयॉर्क गए तो संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां इतिहास में पहली बार 130 देशों ने प्रधानमंत्री जी के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। तो भारत आज अग्रसर हो रहा है, विकास के पथ पर चल रहा है, और जब भारत विकास के पथ पर चल रहा है, भारत अग्रसर हो रहा है, एक वासुदेव कुटुंबकम सोच और विचारधारा के साथ अग्रसर हो रहा है। भारत की प्रगति अकेले नहीं लेकिन संपूर्ण साउथ की प्रगति, संपूर्ण विश्व की प्रगति, उसी संदेश के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। उसी के साथ इजिप्ट में भी उनका ऐतिहासिक दौरा रहा, और कल भोपाल में उनके स्वागत के लिए हम सब लोग आतुर हैं। देश भर के कार्यकर्ताओं को वो भोपाल से संबोधित करेंगे, और जब जब प्रधानमंत्री आते हैं वे कभी भी मध्य प्रदेश में खाली हाथ नहीं आते। कल वंदे भारत के 2 ट्रेनों का शुभारंभ भी, और देश भर के कई और ट्रेनों के लिए शुभारंभ हमारे स्टेशन से, भोपाल के रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की श्रृंखला मध्य प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति की विकास और प्रगति का लक्ष्य की पूर्ति हम लोग कर। लालू जी राहुल गांधी को शादी की सलाह दे रहे हैं।